हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आखिरी चैप्टर जो एल्जब्रा है, मैथ्स पार्ट वन है, उसका चल रहा था, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में और प्रैक्टिस 6.2 के एग्जाम्पल्स हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी हमने पिछले साल भी पढ़ा के कंप्लीट किया था, यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोज तो पूरा अपलोडेड है। मैथ्स पार्ट टू पुराना वाला नया वाला दोनों ही कंप्लीट हो चुका है, मेंसुरेशन चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार बस बचा कुचा जो भी चीज़ें हैं हम लोग पढ़ा देंगे और लगभग 2-4 दिन के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को मिलेगा आप लोग का फेवरेट वन शॉट लाइव रिवीजन यानी LMR सीरीज मिलेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने मीन के बारे में पढ़ा था, 3 मेथड मीन का पढ़ा था। पहला मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम मीन मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक और चीज बता दूं, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते कर लो यार, क्या जाता है। इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो डेफिनेटली फॉलो कर लो, मुझे आप बातें कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हो सकते हो और साथ ही में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन जिसपे एक पेड कोर्स लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी, उसमें सपोर्ट जरूर करना, तो डाउनलोड करके रख लो। जिन्होंने भी नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं और कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत फ्री है, पूरा फ्री है। तो आप जाके डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन हो जाना, ठीक है, फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग बात करने वाले मीडियन की। मीडियन मतलब क्या, जैसे हमने इसके पहले 9th में भी पढ़ा होगा, मीडियन मतलब समझ लो बहुत सारे नंबर अगर दिए हुए, जैसे 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है ना, 18 है, 20 है, समझ लो 22 है। तो हम लोग क्या करते थे, मीडियन मतलब क्या होता था, जो मिडल के जो दो नंबर है जैसे 16 और 18, तो 16 प्लस 18 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 16 यानी कि 34 डिवाइड बाय 2 यानी कि लगभग 17 इसका मीडियन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग मीडियन निकालते थे अगर वो एक इवन नंबर में आता है, ऑड के लिए कुछ और था। आपको याद होगा 9th में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, देखना चाहते हो कि 9th में कैसे निकाला जाता था, आप 9th के वीडियो जाके देख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल में उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहां पे मीडियन जो पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है, और ये एक बोलते हैं ना सीरीज वाला है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है यहां पे माफ कीजिएगा, जो मीडियन है वो अलग तरीके से निकाला जाएगा और जिसका फॉर्मूला ये स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, जो कि है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ दिस 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें आपका एल मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट लोअर फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है, क्लास होता है, जैसे हमने मीन में कॉलम्स बनाए थे, क्लास बनाया था, क्लास मार्क बनाया था, फ्रीक्वेंसी बनाया था, सेम उसमें भी यहाँ पे भी आपको कॉलम्स जो दिए रहेंगे आपके क्वेश्चन में, वो कॉलम्स हमको बनाने हैं। उसके बाद जब हम लोग कॉलम्स बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है ना, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको एन बोलते हैं, एन इज नथिंग बट द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो मिटाओ। अब यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि एन मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको एन बाय टू कर लेना है, मतलब फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगा, लेट सपोज आपका 50 आया, 60 आया, जो भी वैल्यू आएगा उसको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी एफ, एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा बनेगा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आना चाहिए वो या तो बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू एन बाय टू के वैल्यू से। तो अगर आपका ये वैल्यू रहेगा तो वो आपका क्या डिसाइड करेगा, वो आपका डिसाइड करेगा आपका क्लास इंटरवल। मैं आपको ये चीज सॉल्व करके बताऊंगा एग्जांपल, बस आप सुन के ले लो अभी, ठीक है। तो वो आपका क्या रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, वो आपका क्लास इंटरवल रहेगा। और क्लास इंटरवल से हम लोग को समझ लो एक क्लास इंटरवल मिला 15 से 25, तो ये आपका क्लास इंटरवल। तो ये सबसे पहले लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट का हमें कोई काम नहीं है, लोअर लिमिट मतलब एल, एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एच मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी 15 और 25 है, तो 15 और 25 में डिफरेंस कितना है, एन। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा इस प्रकार से। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को दिया रहेगा और सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान से देखना इस वीडियो को, 2 से 3 एग्जांपल कराऊंगा प्रैक्टिस सेट का, पूरा क्लियर हो जाएगा मीडियन कैसे निकाला जाता है और कौन से टाइप का निकाला जाता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो चलो यहां पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पे चीजें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस ऑफ योर प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। चलो फटाफट से सॉल्व करवाते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टू टेबल शोज क्लासिफिकेशन वर्कर का, नंबर का, हावर का दिया हुआ है, हमें बोल रहा है फाइंड द मीडियन। देखो क्लियरली बोल के रखा है मीडियन फाइंड करो, क्वेश्चन में बोल दिया, समझ में आ गया क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, जो चीज है यहाँ पे कोई मीडियन का मेथड नहीं होता, मीडियन में सिर्फ एक चीज देखना होता है कि क्या वो जो क्लास दिए हुए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे डेली नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है, 8 से 10 लिखा है, 10 से 12 है, 12 से 14 है, 14 से 16, तो ये कंटिन्यूस हुआ ना, 8 से 10, फिर यही 10, 10 से 12 हुआ, यही 12, 12 से 14, यही 14, 14 से 16 हो गया, मतलब ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास। और अगर किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूअस नहीं दिया है ना, तो उसको हमको करेक्ट करके पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा।
कैसे होता है, सबसे पहले यहां पे अगर कहीं पे भी आपको मीडियन पूछ दिया, मीडियन निकालने पूछ दिया, सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम करना है, दैट इज नथिंग बट योर क्लास। आप क्या लिखोगे यहां पे, क्लास लिखोगे, क्लास आपके लिए क्या है रहेगा यहां पे, क्लास आपके लिए रहेगा दैट इज नंबर ऑफ डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो आपके लिए क्लास क्या रहेगा, डेली नंबर ऑफ आवर्स लिख दो आप, क्लास नथिंग बट मेरे लिए क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, क्लास है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक कॉलम बना लेता हूं, ये आपके लिए क्लास है, ठीक है ना, इस प्रकार से समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है ये। क्लास आपने बना लिया, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि आपने जब मीन निकालना होता है तो आप एक्सआई लिखते थे, करेक्ट है, तो आपने जब क्लास यहां पे बना लिया तो आपको क्लास बनाने के बाद सीधा सीधा क्या लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई, या फिर नॉर्मली मीन जब निकालना होता है तो एफ आई बोला जाता है, लेकिन अगर यहां पे मीडियन है तो सिर्फ एफ बी लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो एफ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पे मेरे लिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है, ये है ना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको मैं एफ मानूंगा, क्या मानूंगा, एफ, ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहां पे लाइन खींच दो इस प्रकार से, ये हो गया। अब तीसरा कॉलम जो आएगा यहां पे, मीडियन निकाल रहे हो ना, मीन तो निकाल रहे नहीं हो कि एक्स आई आएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई लिखोगे, वो नहीं है, यहां पे सीधा सीधा लिखना आपको क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लिखना है, क्यूम्यूलेटिव, स्पेलिंग चेक कर लो यार, क्यूम्यूलेटिव, टी आई वी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एफ से, दिस इज नथिंग बट द क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको बस वैल्यू लिखना है, क्लास डेली हो रहा है, यहां पे क्या है, 8 से 10 कंटिन्यूस है, 8 से 10, उसके बाद 10 से लेके 12 कंटिन्यूस है, 12 से 14 कंटिन्यूस है, 14 से 16, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, बीच में एक लाइन खींच दो आप इस प्रकार से। प्रीवियस लेक्चर में आपने जैसे देखा होगा, हमने हर एक के बीच में एक लाइन खींचा था मीन निकालने के लाइन, तो यहां पर भी हम लोग ने क्या कर दिया है, सिंपली लाइन खींच के रख दिया है, ताकि ये सब चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई दे, क्लियर। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, यहां पर ध्यान दोगे अगर यहां पर क्लियरली, तो क्या नजर आ रहा है, क्लास मैंने लिख लिया, अब उसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो दिया वो लिख दो, सबसे पहले क्या दिया, फ्रीक्वेंसी 150 यहां पे दिया हुआ है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 150 दिया है, ये आपका 500 दिया हुआ है, यहां पे 300 दिया हुआ है, और अगला जो दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, लिख लिया आपने सबके सामने, उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिया 50, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब उसके बाद क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, वो कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहला वर्ड होता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, तो आपने लिख दिया ये 150। अब देखो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला कैसे जाता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा सबसे पहला वही सेम आ जाएगा, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रहेगा, ये चीज जो सेम रहेगा वही आ जाएगा, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है कि ये जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करते जाना है, जो भी आएगा उसको नेक्स्ट वाले मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करते जाना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 150 है, या फिर इसको ऐसा कर सकते हो आप, ये 150 प्लस 500 ये कितना हो जाएगा, 650, ठीक है, 650 हो गया, ठीक है। अब ये 650 और उसके बाद वाला क्या है, 300, तो ये कितना हो जाएगा, 950, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, 950 हो गया, ये 950 और इसके बाद वाला 50, ये कितना हो जाएगा, 1000, समझ में आ रहा है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है, सबसे पहला सेम हो गया, दूसरा जो लिखोगे वो क्या रहेगा, उसके पहले वाले का प्लस ये वाला, क्रॉस में करना है, थोड़ा समझ के लो बस, और कुछ नहीं है, मैं लॉजिकल बात करता हूं यहां पे, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, हम जुगाड़ू वाले आदमी है, तो जुगाड़ करके सब कुछ पढ़ना होता है परफेक्टली। देखो 150 का 150 आ गया, उसके बाद अगला क्या आएगा, 150 जो लिखा यहां पे, ये तो खाली था, ये खाली था आपका, तो 150 प्लस दिस वैल्यू, ये आ गया, ठीक है, फिर दिस प्लस दिस वैल्यू, ये आ गया, दिस प्लस दिस वैल्यू, ये आ गया, समझ में आ रहा है, आ गया आपका क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली एक चीज लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी का सबमिशन, तो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एन बोलते हैं, कैपिटल एन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, प्लस कर लो, देखो 150 प्लस 50 200 प्लस 300 500 500 प्लस 500 1000, ये आ गया आपका 1000। और एक चीज मैं बता दूं, कभी भी याद रखना टोटल फ्रीक्वेंसी और जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला वैल्यू है वो दोनों सेम आना चाहिए, तो समझ जाना कि आप सही जा रहे हो। अगर ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने निकाला, यानी सबमिशन ऑफ एफ आई, एफ बोलते हैं ना जिसको, एफ आई नहीं है ये, एफ है, सबमिशन ऑफ एफ या फिर n बोल लो, तो अगर ये जो भी वैल्यू आ रहा है टोटल प्लस करके ये जो वैल्यू आ रहा है, और जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू है, अगर वो सेम नहीं है तो समझ जाना कि आपने कुछ तो प्लस माइनस में गड़बड़ किया है, तो वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पे हमारा सेम आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, मीडियन, इन शॉर्ट हमको निकालना तो मीडियन ही है ना, हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, एल प्लस ब्रैकेट में एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन, फॉर्मूला क्या था एक बार चेक कर लो, एन बाय टू, हाँ, सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बैच, करेक्ट है, अपॉन एफ मल्टीप्लाई बैच, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था फॉर्मूले में, अब क्लियर है। अब इसमें जो वैल्यू है वो हमको निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एल चाहिए, लोअर लिमिट, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था
कि क्या होता है लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू। और क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड होता है, जब हमारा एन जो होता है एन बाई टू का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई टू का होना चाहिए। तो सबसे पहले एन बाई टू निकालूंगा, तो एन बाई टू निकालो, सबसे पहले एन बाई टू निकालो, एन बाई टू का वैल्यू क्या आएगा, ये सब आपको सॉल्व करना है इस टेबल के बाद, या फिर आप ऐसा कर लो, ठीक है ना, यहां पे मत करो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे ही मैं करके दिखाता हूं। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर वन, अब मुझे n बाय टू का वैल्यू निकालना है। तो n कितना है मेरा 1000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 500, मतलब मेरा n बाय टू का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। अब मेरा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होना चाहिए। तो चेक करो, ठीक है, चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यह है, 500 मेरा n बाय टू का वैल्यू है, ठीक है, तो अब ये 500 होना चाहिए, फिर 500 से बड़ा होना चाहिए, तो 500 तो है नहीं, 500 से बड़ा मतलब 650, ये वाला कॉलम में आ जाओ, 650 नंबर मिल गया मुझे, अब 650 के कॉलम में आ जाओ, तो ये जो वैल्यू आया ये है मेरा क्लास इंटरवल, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। तो मेरा क्लास इंटरवल क्या आया, देयरफॉर क्लास इंटरवल क्या आया मेरा, क्लास इंटरवल कितना आया, देखो कौन से कॉलम में आ रहा, 650 वाले कॉलम में 10 से 12, तो 10 से 12 मेरा क्या है, क्लास इंटरवल है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से मेरा लोअर लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 10, एच का वैल्यू कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 12 में से 10 गया 2, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी किसका है, इसके सामने, इसका फ्रीक्वेंसी है 500, ये फ्रीक्वेंसी है f, f का वैल्यू कितना हो गया 500, तो f का वैल्यू मिल गया मुझे 500, ठीक है। अब एक बचा है cf, cf का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम हमने लिया है उस कॉलम के पहले वाला जो cf होगा वही लेना है हम लोग, दिस इज द cf, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए cf हो जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 150 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150। अब वैल्यू सब मिल गया, अब बस डालना है और सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लो, क्या है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है हमारे पास 10, तो 10 प्लस ब्रैकेट में एन बाई टू का वैल्यू कितना है, एन बाई टू का वैल्यू 500 है, तो सीधा आ गया 500 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है, माफ करना, 500 माइनस सी एफ है, माइनस सी एफ का वैल्यू अभी निकाला हमने 150, तो माइनस 150 अपॉन क्या है ये f, f का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 500, तो लिख दिया यहाँ पे 500 और होल मल्टीप्लाई बाय h, h का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, दिख रहा है, डाल दो कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा, तो 10 प्लस 500 माइनस 150 यानी कि 350 बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, तो क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, ब्रैकेट में यहाँ 7 बच रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन देखो, मैंने थोड़ा कटपुट किया है लेकिन क्लियरली दिख रहा है 7 यहाँ पे बच रहा है मेरे पास, 7 ऊपर बच रहा है, नीचे अकेला 5 बच रहा है, ठीक है, बस, तो ये हो जाएगा 7 10 जा 70 बाय 5, तो कौन से टेबल में 14 5 जा 70 होता है, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस करके देखो, ठीक है, प्लस करके देखो कितना आंसर आ जाएगा, 70 बाय 5 25 आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 500 में से 150 गया, 350 बचा, 350 अपॉन 50 इंटू 2, ठीक है, 350 अपॉन 50 इंटू 2, अब देखो 350 अपॉन 500, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 00, अब देखो मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा हूं दोस्तों कि थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे, तो 350 बाय मैं क्या करता हूं 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, हाँ, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ मैंने क्या किया है ना, गड़बड़ मैंने क्या किया है मेरे को पता चल गया, देखो एक्चुअल मैं वही मैं सोच रहा था कि मेरा आंसर थोड़ा अलग क्यों आ रहा है, देखो ये 10 प्लस है, मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस दिस इज नथिंग बट 7 और नीचे आ गया 5, तो 7 डिवाइड बाय 5 कर लो, तो 10 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 का जो वैल्यू आता है दोस्तों, 7 डिवाइड बाय 5 का जो वैल्यू आता है 1.4 आता है, तो 10 प्लस 1.4 इज नथिंग बट 11.4, दिस इज योर वैल्यू, यानी कि आपका जो मीडियन है इसका वैल्यू हमें मिल गया 11.4, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस गया था एक जगह, लेकिन थोड़ा सा वो माइनस सा मिस्टेक था कि हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, वो प्लस है, देखो ये आपके साथ भी हो सकता है, ध्यान से कैलकुलेशन करना जहां पर भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, तो देखो कितना ईजी था, कितना आसानी से, कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर मीडियन, एंड अगर आपको कोई भी चीज दिया हुआ है कंटिन्यूअस मैनर में तो आप इंदास इस तरीके से सॉल्व करके आप अपना मीडियन का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगेन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है मैंगो ट्री का, चलो ठीक है फाइंड मीडियन, देखो क्लियरली बोला है मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, क्लास, तो क्लास क्या है हमारा, दैट इज नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ मैंगो लिखा हुआ है क्लास में, नंबर ऑफ मैंगोस, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोस है,
डब्बा बनाओ, इस प्रकार डब्बा बनेगा आपका, ठीक है, बन गया डब्बा। अब देखो यहां पे, यहां पे अगला क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्लास कंटिन्यूस है वो चेक करो, 5 से 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, मतलब ये कंटिन्यूस हो रहा है, 200 के बाद 200 250 कंटिन्यूस है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा यहां पे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा, नंबर ऑफ ट्रीज, फ्रीक्वेंसी मेरा नंबर ऑफ ट्रीज है जिसको मैंने एफ मान लिया, ठीक है, तो यहां पे ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। और अगला जो आता है वो लिख दो यहां पे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यही आता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग सी एफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास लिखेंगे यहां पे, क्लास क्या है देखो, अगर आप ध्यान से, क्लास क्या है, 50 से लेके 100 है, उसके बाद 100 से लेके 150 है, ठीक है, उसके बाद 150 से लेके कितना है 200 है, फिर 200 से लेके 250 है, एंड लास्ट में क्या है 250 से लेके 300, तो वो भी लिख लो इसको, 250 से लेके 300। अब बस इसके बीच में पार्टीशन मार दो लाइन से फटाफट से, देखो ये हो गया हमारा पहला लाइन, ठीक है, ये हो गया दूसरा लाइन, ठीक है, ये हो गया तीसरा। आप लोग स्केल पेंसिल के हेल्प से अच्छी तरीके से कॉलम्स बना लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग थोड़ा सा ऐसा रफली बनाते हैं टाइम बचाने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आपका ये तो तैयार हो गया, क्लास क्लास तैयार हो गया, अब उसके बाद आप क्या तैयार करते हो, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी जो दिया वो लिख दो, यहाँ पे दिया हुआ है 33, 30, 90, उसके बाद है 80 एंड लास्ट में है 70, ठीक है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहला सेम होता है, 33 लिख दिया पहला सेम, अब ये वाला इसके साथ प्लस होगा तो ये हो जाएगा 63, इसके साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 153, इसके साथ प्लस हो जाएगा, 153 प्लस 80 कर लो, 153 प्लस 80 करो कितना हो जाएगा, 153 प्लस 80 यानी कि ये हो जाएगा 233, ठीक है, और 233 को 17 से प्लस करो तो ये हो जाएगा 250, ये आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, सबमिशन ऑफ एफ निकालते हैं, जिसको हम लोग एन बोलते हैं, करेक्ट है, तो ये 17 प्लस 33 50, ये 80 80 160 प्लस 90 250, ठीक है, तो 250 यहाँ पे भी आ गया, मतलब हमारा दोनों का दोनों वैल्यू सेम आ गया, ये 250 ये भी 250, तो हम लोग एकदम करेक्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट हम लोग को ये चेक करना होता है कि n बाय 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो n कितना है हमारा, n आ रहा है 250 बाय 2 यानी n बाय 2 का वैल्यू आ रहा है 125, तो हम लोग को फिर चेक करना होता है कि क्या क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 125 आ रहा है, क्या कौन सा आ रहा है, 125 से बड़ा होना चाहिए या फिर 125 के बराबर होना चाहिए, तो कौन सा आ जाएगा हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, 125 से यहां पर क्या होना चाहिए, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो देखो ये है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 125 से ना कितना है, हाँ 125 से बड़ा होना चाहिए, तो यही एक ऐसा है, तो इस लाइन में आ जाओ, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि देयरफॉर क्लास इंटरवल जो है मेरा, क्लास इंटरवल जो आ गया वो कितना आ गया बताओ, ये आ गया 150 से 200 वाला मेरा क्या आ गया दोस्तों, क्लास इंटरवल आ गया, तो हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल मेरा 150 से लेके 200 है, ठीक है, ये मेरा क्लास इंटरवल है, जिसके वजह से मुझे एल का वैल्यू मिल गया, लोअर लिमिट कितना है 150, दोनों का बीच का डिफरेंस एच बोलते हैं जिसको, वो है 50, ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो उस टेबल में देखो फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 90 है फ्रीक्वेंसी, 90 लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 90, और एक और चीज चाहिए क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि उसके पहले वाला होगा, तो इसके पहले वाला कॉलम में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 63, तो 63 मेरा क्या हो गया सी एफ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 63। अब हमको क्या करना है, हमको बस इन शॉर्ट वैल्यूज डालने हैं फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूला इसमें वैल्यू डालना है, क्या फॉर्मूला से हमारा मीडियन का, मीडियन निकालना है ना इन शॉर्ट, तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एल प्लस ब्रैकेट में एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ होल मल्टीप्लाई बाय एच, डाल दो वैल्यू, क्या है एल का वैल्यू, लोअर लिमिट 150 पता है मुझे, तो 150 प्लस एन बाय टू का वैल्यू अभी अभी निकाला है हमने 125 है, 125 माइनस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता है मुझे जो कि है 63, तो 125 माइनस 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी मुझे पता है जो कि है 90, डाल दो यहां पे 90 और होल मल्टीप्लाई बाय एच, एच का वैल्यू हमको पता है दैट इज नथिंग बट 50, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 प्लस क्या हो जाएगा 125 में से 63 माइनस करो, 125 में से 63 माइनस गया, ठीक है कर लो, ये बचेगा 37 और 25 कितना होता है यार, 37 प्लस 25 42 52 62 बचेगा 62 बाय 90, ठीक है 62 बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 50, ये इतना समझ में आ रहा है, ठीक है 62 बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ये कैंसिल हो रहा है, अब हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो बचेगा 150 प्लस यहां पे क्या बचेगा 62 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 9, इसको मैंने एक साथ ले लिया,
ठीक है, तो ये बचेगा 150 प्लस 62 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 होता है 1 कैरी 6 5 30 प्लस 1 31 310 अपॉन 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 310 को 9 से डिवाइड कर लो, साइड में आप लोग डिवाइड करो, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूं फटाफट से। तो क्या करना है, जैसे मैंने बोला 310 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 9 से, आप लोग बुक में डिवाइड करना, तो 34.4 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है 34.4। तो अब आपको क्या करना है, 150 प्लस 34.4 कर देना, जो कि आपका आ जाएगा आंसर 150 प्लस 34 यानी 184.4 आ गया, और ये आपका क्या आ गया, मीडियन का आंसर, दिस इज नथिंग बट द मीडियन जो आपको निकालना था। कितना सिंपल है दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से आ गया, 184.4 अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो, अगर आप उसको लेना चाहते हो तो एक अप्रोक्सीमेटली 184 करके आप ले सकते हो, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आपने इसके पहले जो वैल्यू निकाला था, ठीक है, तो इसके पहले जो निकाला था इसको भी आप राउंड अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, 11.4 है, इसको आप 11 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आया वो लिख दो, उसके बाद ये कर देना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली, 184 इज द करेक्ट आंसर, 184 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है यहां तक, ठीक है। हम लोग फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिख देते हैं हम लोग फटाफट से, और इसमें कुछ चेंजेस है मैं करा देता हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चेंजेस क्या है, ये 62-64 दिया हुआ है, करेक्ट है। अब ये यहां से हो जाएगा 65-69, ठीक है, ये 70-74, 75-79, ठीक है ना, यहां पे 80-84, ठीक है, यहां पे 80-84 और ये 85-89, थोड़ा बहुत करेक्शन है, आप लोग कर लेना, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस हिसाब से ये हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। 60-64 ठीक है, करेक्ट है, 65-69 है, 70-74 है, 75-79 है, 80-84 है, 85-89 है, दिस इज द करेक्ट, हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये करेक्शन हमने करने के बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट, तो इससे एक चीज पता चलेगा कि ये जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, कि 60 के बाद 64 है, यहां पे 64 से 69 होना चाहिए, 69 से 74 होना चाहिए, तो ऐसा था, देखो पिछला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस था, 50 से 100 यही 100 है, यहां पे 100 से 150 और यही 150 यहां पे, 150 से 200 मतलब कंटिन्यूस है, दिस इज कॉल्ड इट हैज कंटिन्यूस क्लास। लेकिन ये जो आप देखे ये वाला एग्जांपल देखो, ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है, 60 से 64 है, फिर एक का गैप है 65 से 69 है, फिर एक का गैप है 70 से 74 है, फिर एक का गैप है 75 से 79 है, मतलब एक एक का गैप है, तो वो एक एक गैप दूर करने के लिए हमें इस क्लास को कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्लास पता है वो लिख दो, क्या पता है, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ये आपको पता है तो वो लिख दो, ठीक है। इसको हम लोग पार्टीशन मारेंगे इस प्रकार से पार्टीशन, ठीक है, देखो ध्यान से देखना बच्चे लोग, ये चीज समझो, क्या दिया हुआ है हमारे पास, वैल्यूज जो दिए हुए लिख दो, क्या दिया हुआ है, 60 से 64 है, फिर 65 से 69 है, देखो ध्यान से लिख रहा हूं, 65 से 69 है, फिर 70 से 74 है, ठीक है, फिर 75 से 79 है, ठीक है, फिर 80 से 84 है, फिर 85 से 89 है, ठीक है, 85 से 89, यहां तक समझा, इसको हम लोग लाइन खींच देंगे फटाफट से, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा यहां पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि स्पेस की कमी है थोड़ी सी, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है बच्चे लोग, ये हमने कॉलम बना लिया इस प्रकार, और एक आखिरी कॉलम भी बना लेते हैं इस प्रकार से, बन गया हमारा आखिरी कॉलम। अब देखो यहां पर अब क्या वैल्यू लिखना है, या आपने क्लास तैयार कर लिया, या आपने क्लास तैयार कर लिया, दिख रहा है आपको क्लास, करेक्ट है, मैं भी चेक कर लेता हूं, बराबर दिख रहा है, क्लास तैयार कर लिया। आप क्लास तैयार करने के बाद आपको क्या सोचना है, कि भैया ये क्लास तो कंटिन्यूस है ही नहीं, और जब तक कंटिन्यूस नहीं है तब तक मीडियन मिलता नहीं है, तो पहले कंटिन्यूस बनाओ, और कंटिन्यूस कैसे बना सकते हो यहां पे, इसके लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे कंटिन्यूस क्लास, या फिर ऐसा लिखो, ऐसा लिखोगे एक सेकेंड, क्लास या फिर कंटिन्यूस क्लास लिखो, कंटिन्यूस क्लास लिखा आपने, और कंटिन्यूस क्लास का एक कॉलम आप एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे यहाँ पे, तो क्या लिखना है उस कंटिन्यूस क्लास में, आप कंटिन्यूस कैसे बनाओगे, ये 60 से लेके 64 है, अब 60 से 64 है, 60 को मैं 0.1 कम कर दूं, मतलब 0.5 कम कर दूं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो ये हो जाएगा 59.5 कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ये जो पहला था 60 उसको मैंने एक कम कर दिया, मतलब आधा कम कर दिया, तो ये हो गया 59.5। अब ये जो आधा इधर कम किया है वो आधा इधर बढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 64.5, ठीक है, ये 65 था, इसका भी आधा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64.5, और इसका आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 69.5, ठीक है, वैसे इसका आधा कम हो गया, तो ये बन गया 69.5,
और इसका आधा पड़ गया तो ये हो जाएगा 74.5। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो हमने इधर लोअर साइड में आधा कम कर दिया और अपर साइड में आधा बढ़ा दिया, इससे क्या हो गया कि ये सब कंटिन्यूस में आ गए। देखो 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, 69.5 से 71, मतलब अब सब ये कंटिन्यूस में आ गए, और कंटिन्यूस लाना जरूरी है तभी तो हमारा मीडियन निकलेगा। तो बस यही करते जाओ सबके साथ। तो 74.5 से लेके 79.5 से लेके 84.5 और लास्ट में है 84.5 से लेके 89.5। तो हमने सिर्फ 0.5 को इधर और उधर, इधर कम किया उधर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस आ गए। तो एग्जाम में कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसके बीच में डिफरेंस है, यहां पे एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, तो जो एक एक का डिफरेंस वाला आता है तो आधा आधा क्या कर दिया करो, उधर कम कर गए इधर बढ़ा दिया करो। दो दो का डिफरेंस आता है जो कि नहीं आएगा, लेकिन एक यही वाला आएगा और वहां पे दो दो वाला डिफरेंस आया तो एक उधर बढ़ा दो, एक इधर कम कर दो, एक इधर बढ़ा दो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अब ये हो गया सेम। उसके बाद आप क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। तो फ्रीक्वेंसी लिख दो आप लोग का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज यहां पे दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ व्हीकल्स, जिसको हम लोग एफ मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। लिख दो यहां पे और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, क्यूम्यूलेटिव। लास्ट में क्या लिखते हैं, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग सी एफ मानते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जो दिया है लिख दो, 10 दिया है, 34 दिया है, 55 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, 10 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, 10 और 6 ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसका प्लस करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले सी एफ लिखते हैं। पहले यहां पे 10 का 10 सेम टू सेम होगा, 10 प्लस 34 44, 44 प्लस 55 99, 99 प्लस बराबर है ना 59 बराबर 99 प्लस 85 104 184। ठीक है, 184 प्लस 10 194 और 194 प्लस 6 200। ठीक है, ये आ गया यहां तक। फिर इसका हम लोग को टोटल निकालना होता है, यानी कि समीशन ऑफ एफ। यहां पे अभी दिख रहा नहीं है मेरे को, थोड़ा सा मैं इसको ना ऊपर लिफ्ट करता हूं। ठीक है, यहां पे मुझे दिख रहा नहीं है ना, इसको मैं थोड़ा सा लिफ्ट करता हूं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको भी लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी वो लिफ्ट करा दे। तो हमने लिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, जिसको हम लोग एन बोलते हैं, टोटल कितना यहाँ पे, 10 प्लस 34 44, 44 प्लस 55 99 प्लस 85 184, 190 और 10 200। तो ये भी आ गया 200। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा नीचे वाला और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला है, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो हम लोग सही जा रहे हैं। अब आपको एक आखिरी स्टेप करना है, जो कि आपका मीडियन निकालने का प्रोसेस। तो सबसे पहले जाओ और फॉर्मूला लिख दो, पर फॉर्मूला लिखने के पहले हम लोग को n बाय 2 निकालना होता है। तो n कितना है, टोटल हमारे पास 200 आया, 200 बाय 2 यानी कि 100। तो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, n बाय 2 होना चाहिए ना, जो कि है 100 से बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 या फिर 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा तो यही है भैया, 100 तो है ही नहीं, 100 से बड़ा यही है, मतलब इसका ही कॉलम आएगा। तो इसका कॉलम में मतलब ये है मेरा कंटिन्यूअस क्लास। ये मत ले लेना, ये लेना है हम लोग को कंटिन्यूअस क्लास, ये है हमारा कंटिन्यूअस क्लास। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, दिस इज आवर क्लास इंटरवल। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो क्लास इंटरवल आया वो क्या आया, क्लास इंटरवल देखो यहां पे ध्यान से, क्लास इंटरवल यह है 74.5 से लेके 79.5। तो 74.5 से लेके 79.5 ये मेरा क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, जिसके वजह से L मेरा लोअर लिमिट दो जो कि 74.5 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको H बोलते हैं, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि 5 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद और क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो उसमें देखो फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी है 85। तो लिख दो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 85। और एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि उसके पहले वाले का कॉलम होता है, तो उसके पहले वाला कॉलम ये, और इसमें मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 99। लिख दो यहाँ पे 99। समझ में आ गया। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मुलेज डालने हैं, सॉल्व करते जाना है, मीडियन निकालना है आपको। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। डाल दो वैल्यू, चलो एल कितना है हमारे पास, देखो 74.5 एल है मेरा। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में एन बाय टू मेरा कितना है, 100 है, तो 100 माइनस सी एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है, 99 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, देखो कितना है फ्रीक्वेंसी 85। लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 74.5 प्लस 100 माइनस 99 मतलब 1/85 करेक्ट है, 1/85 जा रहे हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5/85। इसको सॉल्व कर लेंगे 5/85 कितना हो जाएगा यार, 5 1 5 35 5 35 1/17। तो 74.5 प्लस 1/17
तो 1/17 का वैल्यू निकाल लो जो कि 0.0059 आएगा, करके देख लेते हैं। 1/17 साइड में करके देख लेना आप लोग, मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर से। देखो क्या करना है, 1/17 0.058 आया, ठीक है कोई बात नहीं, 0.058 आ रहा है, तो ये 74 है अपने पास, 74.5, और 1/17 करने के बाद हमको आ रहा है 0.058, इन दोनों का प्लस कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 74.55 के आसपास आ जाएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेट में ले सकते हो 75, तो ये आ गया हमारा मीडियन का वैल्यू, दैट इज नथिंग बट मीडियन आ गया, यही है हमारा फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थे जितने भी एग्जांपल्स हमने मीडियन के लिए इंपॉर्टेंट लगे हमने आपको करा दिए, तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा आपको हमारे साथ पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही बस पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, और दोस्तों को शेयर करके बताते रहो कितना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो अगर पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार अगर आए हो चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।